फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 11 को अपना पहला करोड़पति मिल गया है। एक करोड़ विश्वास नहीं हो रहा है सर। बिहार के सनोज राज नाम के व्यक्ति इस सीजन के पहले करोड़पति कंटेस्टेंट बन गए हैं। सनोज शो में अभी तक 15 प्रश्नों का सही जवाब देकर 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि जीत चुके हैं। चूटी का प्रश्न 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए, ये रहा। शुरू से सोच रखा था कि आगे वो अच्छा करेगा, लेकिन इस हॉट सीट पर जाने का तो भाई नहीं जानते थे कि आगे जाके ये ऐसा मौका मिलेगा। क्या तमन्ना रही है उसकी लाइफ आगे करने का? उसको तो आगे करने का तमन्ना है IAS का, जो है UPSC का, वही उसका तमन्ना है। इससे पहले इस सीजन में हिमांशु धुरिया नाम के एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए के प्रश्न तक पहुंचे थे, हालांकि वो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे, जिसके कारण उन्हें 50 लाख रुपए ही मिले थे। अपने माता पिता के लिए 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए। यहाँ दिलचस्प ये है कि जिस 1 करोड़ रुपए के सवाल पर यूपी के रहने वाले हिमांशु धुरिया फंसे थे, उसका सही जवाब उन्हें पता था, लेकिन दुविधा में होने के कारण उन्होंने शो छोड़ दिया था। आज वो हिमांशु खेलेगा अपने माता पिता के लिए। करोड़ रुपए के इनाम की राशि को लेकर बिहार और KVC का रिश्ता काफी पुराना है। KVC के 5वें सीजन में बिहार के मोतिहारी के रहने वाले सुशील कुमार ने 5 करोड़ की इनामी राशि जीती थी। कंप्यूटर जी, सी डेनमार्क पे ताला लगाया जाए। वैसे सनोज राज एक छोटे से गांव के रहने वाले एक किसान के बेटे हैं। वो बीटेक की पढ़ाई कर 2 वर्ष से सहायक कमांडेंट के पद पर नौकरी कर रहे हैं। सनोज ने इससे पहले कभी बड़े शहर नहीं गए हैं और न ही शहरी रहन सहन से परिचित हैं, लेकिन उनके हौसले और सपने काफी बड़े हैं। हाँ, उसको टैलेंट आपको देखो तो लगता था कि हाँ मैंने ये अच्छा मैंने कुछ करेगा, नाम रोशन करेगा हम लोग के। बचपन में कैसा उनका था? हम बचपने से उसका व्यवहार था, मैंने सबके साथ में ढंग से रहना, ढंग से पढ़ना लिखना, और आगे के सोच भी उसका बहुत छोटा ही छोटा से था। पढ़ाई कहाँ से हुई थी उनकी? जहानाबाद से। दिलो दिमाग आपका क्या कह रहा है? सनोज अपने स्वभाव से बेहद सरल और सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। बीटेक सनोज IAS अधिकारी बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। ज्ञान के दम पर खेलेंगे। अब आ रहा है चोटी का प्रश्न, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए, ये रहा।